पनामा का हंगामा खत्म हुआ, वजीर आजम नवाज शरीफ नाहल नहीं हुए। फैसला 547 सफात पर मुश्तमिल, मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील, 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। बेंच में शामिल 5 में से 2 फासिल जजों जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस गुलजार अहमद ने वजीर आजम को री नोटिफाई करने का कहा। दीगर 3 जज साहबान ने इस मामले की तहकीकात की राय का इजहार कर दिया। अल्लाह ताला ने हमें सरखरू किया, खुद को अदालत के रहमो करम पर रखा। वजीर आजम नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनने के बाद अपने रद्द अमल में अदालती फैसले पर मनोन अमल दरामद के अजम का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी बोले, अंदाजा करें वजीर आजम JIT में पेश होंगे। PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना था, वजीर आजम और उनके बच्चे झूठ बोलने के मुर्तकिब हुए हैं। हुक्मरानों को अपने गिरेबान में झांकना होगा, इक्तदार की कश्ती डूब रही है। हुकूमती कारकर्दगी सिर्फ फीते काटने तक रही, तहरीक इंसाफ के तर्जमान नईमुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। 5 जजेस ने नवाज शरीफ का मौकफ मुस्तरद कर दिया। JIT बनाने का 5 जजेस का मुतफिक फैसला सामने आया, इसका मतलब है नवाज शरीफ की मनी ट्रेल मुस्तरद कर दी गई। JIT की तहकीकात तक नवाज शरीफ मुस्तफ़ी हों, इमरान खान का नवाज शरीफ से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया। बोले, मेरी नज़र में वजीर आजम को इखलाकी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ना कर सकी क्या वो वजीर आजम के मातहत लगे 19 ग्रेड के ऑफिसर कर सकेंगे। JIT बनाना नवाज शरीफ को राय फरार देना है, 2 सीनियर जजों ने नवाज शरीफ को ना अहल करार दिया, बाकी 3 जजेस ने इस राय की तरदीद नहीं की, मामला मुखर कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू। मुख्तलिफ शहरों में नून लीग के कारकुनों का जश्न, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोधा, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, राजनपुर, हैदराबाद, नवाबशाह समेत कई शहरों में नून लीग के कारकुनों ने जश्न मनाया, मिठाइयां तकसीम की। जनूबी वजीरस्तान से 2 माह बाद पाक अफगान सरहद आमदोरफ्त बहाल हो गई। फरवरी को 7 धमाके के बाद बंद होने वाला पाक अफगान सरहद पर तजारती रास्ता अंगोरडा आज खोल दिया गया। टाइम मैगजीन का 100 बासर शख्सियात के लिए रीडर्स पोल, मोदी को 1 वोट भी ना मिल सका। सर्वे में पलपाइन के सदर पहले नंबर पर रहे। पाकिस्तान क्रिकेट के आफ्ताब यूनुस खान और मिसबाउल हक आखिरी बार चमकने को तैयार, दोनों वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में उमदा कारकर्दगी से टीम का रैंकिंग में 5वां नंबर मजबूत बना सकते हैं। वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का कल से आगाज हो रहा है और एक्शन के दीवाने अब हो जाएं तैयार, क्योंकि सनसनी से भरपूर नई स्पाई फिल्म किंग्समैन द गोल्डन सर्कल का पहला टीजर ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 29 सितंबर को सिनेमाघरों में धूम मचाने आ रही है। अस्सलामु अलैकुम, तहलका न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट तहलका.tv।